चलाने वाला आज माथा पीट पीट कर रो रहा होगा। हम बात कर रहे हैं आतंकवादी हाफिज सईद की, जिसने ना जाने कितनों को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया। आज उसी आतंकी हाफिज सईद का रो रो कर बुरा हाल हो रहा होगा, उसके कर्मों का फल उसके बेटे को भुगतना पड़ा। दरअसल भारत को 26/11 यानी मुंबई हमलों जैसा दर्द देने वाला आतंकी हाफिज सईद इन दिनों अपने बेटे के बारे में अच्छी खबर सुनने के लिए तरस रहा था। बताया जा रहा था कि उसका बेटा कमालुद्दीन सईद 26 सितंबर से गायब था और कुछ पता नहीं चल पा रहा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि पेशावर में उसे आखिरी बार देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमालुद्दीन को कुछ बदमाश एक कार में लेकर कहीं चले गए। पाकिस्तान के कई सीनियर पत्रकारों ने दावा किया कि इंटेलिजेंस एजेंसी ISI भी उसका पता नहीं लगा पाई। इन सबके बीच हाफिज सईद के बेटे को लेकर खबर तो आई, लेकिन मौत की। एक्सपर्ट शिवम त्यागी नाम के यूजर ने इस बात का दावा किया है। शिवम त्यागी ने लिखा कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन सईद को पाकिस्तान में कुछ अज्ञात लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। पहले कुछ लोगों ने उसको अगवा किया और फिर मौत की खबर आ गई। कनाडा से पाकिस्तान तक जितने भी आतंकवादी मारे जा रहे हैं, इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। उसके बाद शिवम त्यागी ने एक स्माइली का इमोजी भी पोस्ट किया। शिवम त्यागी के इस पोस्ट ने तहलका मचा रखा है। ये खबर हाफिज सईद के लिए जितनी दुखद है, लोगों के लिए उतनी ही अच्छी। हाफिज सईद की साजिश ने न जाने कितने घर बर्बाद कर दिए, कितनों को खून के आंसू रोने पर मजबूर किया है। अगर शिवम त्यागी का दावा सही है तो आज आतंकी हाफिज सईद खून के आंसू रो रहा होगा। बता दें कि हाफिज सईद पाकिस्तानी नागरिक है और मुंबई में हुए 26/11 आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। फिलहाल दावा किया जाता है कि वो पाकिस्तान की जेल में बंद है। हाफिज मोहम्मद सईद पाकिस्तान स्थित इस्लामी आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का भी सह संस्थापक है, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और रूस ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। आपको याद दिला दें कि जून 2021 में लाहौर में जौहर स्थित हाफिज सईद के घर के बाहर एक बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले को लेकर 3 लोगों को मार्च 2023 में पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस आतंकी हमले में 20 लोग घायल भी हुए थे, जबकि कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे। हाफिज सईद संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी आतंकवादी घोषित हो चुका है। उस पर अमेरिका ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा है। उसे जुलाई 2019 में टेरर फंडिंग के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। सईद के नेतृत्व वाला JUD लश्कर ए तैयबा का ही एक संगठन है, जो 2008 के मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है। इस हमले में 6 अमेरिकियों सहित 166 लोगों की मौत हुई थी। वहीं ISI एक के बाद एक लश्कर के आतंकियों पर आती मुसीबतों से परेशान है। हाल ही में कराची के गुलिस्तान ए जौहर स्थित एक पार्क में मौलवी मौलाना जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई थी। रहमान की हत्या 2 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बंदूकधारियों ने की। उन्होंने रहमान पर कई राउंड गोलियां बरसाई। रहमान लश्कर का ही एक ऑपरेटिव था। उसकी हत्या खालिस्तान कमांडो फोर्स के मुखिया परमजीत सिंह पंजवार की तर्ज पर ही हुई। कुछ दिन पहले POK में भी लश्कर के एक आतंकी अबू कासिम को ढेर कर दिया गया। फिलहाल पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।